सो गाइस, जिस चीज की मांग हम लगातार कर रहे थे, जिस चीज के लिए लाखों बच्चे डिमांड कर रहे थे, वो अंततः हमारा जो कैंपेन था वो सक्सेसफुल रहा। और जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th के एग्जाम्स, 18 लाख बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। और ये बड़ा अपडेट है, क्लास 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं 30 मई तक, ये सबको पता है। लेकिन गाइज, इस वक्त मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। CBSE लगातार आनंद फानंद में कई सारे सर्कुलर्स जारी कर रही थी, और उस वक्त भी हमने कहा था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या वो सर्कुलर्स काम दे पाएंगे, भले ही वो एग्जाम सेंटर से चेंज करने वाला हो या प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिलेटेड हो या बहुत सारे, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट, जैसे ही कल शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th के एग्जाम्स कैंसिल और 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके आनंद फानंद में ही कुछ ही देर बाद में एक नया CBSE का सर्कुलर जारी हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, उसे ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट है, CBSE का ये सर्कुलर कल जारी हुआ है देर शाम, और इसे जारी किया है CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। मैं आपको इसे दिखा भी रहा हूँ और आपको मैं बता भी दे रहा हूँ इसका बेसिक पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इनका ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक एंड स्कूल क्लोजर्स एंड ऑल्सो टेकिंग इन अकाउंट द सेफ्टी एंड द वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज डिसाइडेड एज फॉलोज। कि मतलब कि भाई, जो प्रेजेंट सिचुएशन है पैंडेमिक का और स्कूल क्योंकि बंद है, तो उनकी सेफ्टी के लिए और बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए कुछ फैसला लिया गया है। पहला पॉइंट, इसमें दो ही पॉइंट्स दिए गए हैं इस सर्कुलर में। पहला कि द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई टू जून 14th, वो हेयर बाय पोस्टपोन्ड। मतलब 4 मई से 14 जून तक क्लास 12 के जो एग्जाम्स होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इन एग्जाम्स को बाद में लिया जाएगा, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1st जून। देखिए यहाँ पे ये बड़ा अपडेट, जो कि हालांकि आप तक पहुंच चुका है, लेकिन ये सर्कुलर में ये अपडेट दिया गया है कि पूरे सिचुएशन को अब क्लास 12th वालों के लिए रिव्यू किया जाएगा 1 जून को, ठीक है। 1 जून को रिव्यू किया जाएगा बाय द बोर्ड एंड डिटेल्स विल बी शेयर्ड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद में जो नतीजा निकलेगा, यानी कि 1 जून को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 1 जून को पूरा रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू मीटिंग होगा, उसके बाद में जैसा डिसाइड होगा उसको बताया जाएगा। लेकिन एक खास बात यह है कि बोर्ड के द्वारा ये आपको कन्फर्म किया जा रहा है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कि एक नोटिस जारी किया जाएगा कम से कम 15 दिन एग्जाम के पहले। मतलब आपको 15 दिन का मौका मिलेगा अगर एग्जाम्स होता है तो, होगा कि नहीं होगा अभी ये कोई नहीं जानता, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो है उसको भी सुन लीजिए, ये क्लास 10th वालों के लिए है ऑब्वियसली। द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू जून 7th 2021 आर हेयर बाय कैंसल्ड। क्लास 10th के एग्जाम जो कि 4 मई से जून 7 तारीख तक चलने वाले थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और द रिजल्ट ऑफ द क्लास 10th विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। कि जो अब जो लाखों 18 लाख बच्चों का, CBSE के बच्चों का जो रिजल्ट जारी होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पे जारी होगा, जो कि CBSE बोर्ड ही उसे डेवलप करेगा, ठीक है, बनाएगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पे पास होगा, ये मैं आपको दे चुका हूँ। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैंने सुबह ही अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जल्दी से जल्दी। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड टू नंबर्स ऑन दिस बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन एन एग्जाम्स एज एंड व्हेन द कंडीशंस आर कंड्यूसिव टू होल्ड द एग्जाम्स। सबसे अच्छी बात देखिए बच्चों, ये यहाँ पे ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन बेसिस पे क्लास 10th वालों बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से, जो अवार्ड किया गया है मार्क्स, जो बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, अगर वो बच्चा अपने मार्क्स से खुश नहीं होगा तो उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो चाहे तो इस मार्क्स को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। और एग्जाम में बैठने का उसे मौका मिलेगा जब कभी भी एग्जाम कंडक्ट होगा तब, और उसके बाद में उसका फ्रेश जो मार्कशीट है वो जारी होगा। तो ये गाइज अभी लेटेस्ट सर्कुलर शिक्षा मंत्री के लाइव सेशन के बाद में हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप एक इंटरनल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे ये प्रोसेस नहीं है। तो इस पे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लाखों बच्चों के जो हैं वो बच्चे परेशान हैं, सैकड़ों हज़ारों बच्चे मेरे पास मेल कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना इस वक्त मैसेज है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे आपका
ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं सीबीएसई, ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि आईसीएसई, आईएससी और जितने भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी के बारे में। तो अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी कर लो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक चैनल और सबसे लेटेस्ट अपडेट देते हैं हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल्स लगातार दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इन्हें, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ में, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।